राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने संसार को तत्व ज्ञान देने के लिए विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। समय आने पर जब उन्होंने निर्वाण प्राप्ति का निर्णय किया तो सब ओर चिंता की लहर दौड़ गई। तब भगवान बुद्ध ने सबको जीवन की निस्सारता का उपदेश दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वो एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूं। आनंद ने सोचा कि कहीं ये सन्यासी भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ न करने लगे, इसलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। ये सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वो अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज, वो मार्ग कैसा है मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञासावश आपके पास आया हूं, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वो उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, हे भगवान, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वो श्रेयस्कर नहीं था। आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अतः मैं उससे पहले ही अपना देह त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया और एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गया। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने तब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र, मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था,
आधी रात बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, मुक्ति का मूल है। इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो। विहार, वन, पर्वत, जहां भी रहो धर्म का आचरण करो। यदि मेरे बताए आर्य सत्यों के विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहण करने के बाद जब सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे तो अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है। अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं। स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीक्षित होने योग्य थे वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, मेरा यही अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में, और इस तरह क्रमशः ध्यान के अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आए और सदा के लिए शांत हो गए। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत
अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम, मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश और नीरज शर्मा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनियांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।